खराब मौसम को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और सतर्क, सजग एवं सुरक्षित परिवहन करने का संदेश भी दिया है। आंध्र प्रदेश में आए तूफान की वजह से अचानक हुए मौसम परिवर्तन को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग द्वारा वाहन चालकों के सुरक्षित आवागमन को लेकर यातायात पुलिस को दिए गए निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने वाहन चालकों को सतर्क, सजग एवं सुरक्षित रहते हुए वाहनों का परिचालन करने की अपील की है। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने कहा कि फॉग बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिस पर सामने से आ रहे वाहन क्लियर नजर नहीं आते। इस दौरान वाहन चालकों को लो बीम लाइट का प्रयोग कर वाहन चालन करना चाहिए। साथ ही कहा कि किसी सड़क में वाहन खड़ा ना करें, किसी विशेष परिस्थिति में वाहन सड़क के नीचे मार्ग में पार्किंग लाइट जलाकर ही खड़ा करें। वाहन चालन के दौरान शराब या किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन कर वाहन ना चलाएं। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के दौरान सड़क गीली होने से वाहन स्लिप होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए वाहन को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक ना चलाएं। दो पहिया वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।